Hello students, so welcome back. We were continuing with the chapter of the fundamental unit of life. Fundamental unit of life वाले chapter में हमने सारे जो है cell की introduction, cell की history, classification of organisms on the basis of cell ये हमने कर लिया है. Let me write you so that आपको एक recapitulation मिल जाए. Okay. We have done with the introduction part. We have also completed with history. And then we have done the topic classification of organisms. ये वाले पार्ट्स हमारे सारे हो चुके हैं एंड अब वी आर लेफ्ट विद द टॉपिक्स दैट इज इंट्रोडक्शन या फिर इन डिटेल द स्टडी ऑफ द सेल एंड इन डिटेल विद द स्टडी टू द स्टडी ऑफ द सेल हम करने वाले हैं इसमें बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. उसके बाद हम करने वाले हैं थोड़े से वी कैन से इंट्रोडक्शन टू सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए एज यू आर अ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिकैप्चुलेशन दे देती हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने दो क्वेश्चंस के बारे में डील किया था, दैट सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल स्ट्रक्चरली फंडामेंटल एंड फंक्शनली फंडामेंटल. देन वी हैव डन विद द हिस्ट्री ऑफ द सेल. इसमें हमारे दो क्वेश्चंस थे, द फर्स्ट इज व्हाई द सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल में वेरी इन शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल. उसके बाद हमने किया था हिस्ट्री ऑफ द सेल. हिस्ट्री ऑफ द सेल को भी हमने सेल स्टोरी के बारे में पढ़ा था. सेल स्टोरी के हमारे पास दो पार्ट्स थे, फर्स्ट वन वाज़ द डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड नेक्स्ट वन द सेल थ्योरी. इसमें हमारे बेसिकली फाइव साइंटिस्ट के नाम आए थे, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट as well as the year and their contribution in the cell story is very important. Cell story, or we can say that the jo bhi cell ke bare mein, cell ki life, the discovery of the cell and the cell theory ke andar jo bhi contribution tha, kaun se scientist ka kya contribution tha, wo humne karna hai. Then classification of organisms. Organisms ko humne do classifications mein divide kiya tha. The first one was on the number of cells and the second one was on the type of cell. कितने number cells होते हैं जो present होते हैं एक organism में, उसके base पे हमने organisms को divide किया था unicellular and multicellular organism में. Type of cell ke according we have done with two types of cell, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Aaj ka hamara jo basic topic rehne wala hai, that is basics, basic parts of the cell. Matlab we are going to deal with this topic in detail. Before going to this topic, let us have an introduction about two very important cells. That is the smallest cell and largest cell. As I have already told you, that cell may vary in shapes and sizes according to the function they have to perform. The smallest cell is that of mycoplasma. The next name of mycoplasma is
PPLO. And the full form of PPLO is pleuropneumonia like organism. The largest cell is the ostrich egg. The ostrich egg cell is known as the largest cell. Okay, so माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ी लिया तो इन डिटेल इसके बारे में थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द माइकोप्लाज्मा हम कर लेते हैं. कल भी हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में बात की थी एंड माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया. बेसिकली इट इज नोन एज वॉल लेस बैक्टीरिया because it lacks the cell wall. It is known as the wall-less bacteria because it lacks the cell wall. Cell wall जो है वो bacteria mycoplasma में present नहीं होती है. That's why. Also it is known as the smallest cell. The largest cell is the cell of the ostrich egg. Okay. तो अब हम इन डिटेल शुरू करने वाले हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में. सो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि एक सेल का होना. सेल होगा तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा. वैसे ही जो बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल है वो ये है कि एक सेल को सेल बनने के लिए बेसिकली चाहिए क्या क्या. ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर चाहिए, मेटाबॉलिज्म चाहिए एंड अवेयरनेस का होना चाहिए. बट सेल को सेल बनने के लिए क्या चाहिए? चाहे सेल के दो टाइप्स पढ़े थे हमने, दैट वाज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल. चाहे मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की जो है द प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल, या फिर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की जो है द एडवांस टाइप ऑफ सेल. किसी भी सेल की बात करती हूँ तो सेल में थ्री बेसिक पार्ट्स या कंपोनेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एक बेसिक कंडीशन ऑफ द सेल को कंप्लीट करता है. व्हाट आर दीज बेसिक पार्ट्स? द फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन. द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस एंड एट लास्ट वी हैव साइटोप्लाज्म. ये जो सेल मेम्ब्रेन है, द सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल. जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन बनाती है. न्यूक्लियस है जो, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. इट इज द हेड ऑफ द सेल. ब्रेन ऑफ द सेल से मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी जो है वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी सेलुलर बॉडी है. हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमें बहुत सारे काइंड ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ टिश्यूज हैं एंड दीज ऑर्गन सिस्टम्स हैव टू हैव वर्क इन अ कोऑर्डिनेटिंग मैनर in order to get proper balancing of the body, proper functioning of the body. Digestive system ko agar pata hi nahi hoga digestion kab karni hai to fir wo khana khane ke baad digestion kaise karega. Agar respiratory system kya usko pata hi nahi hoga ki kab mujhe zyada energy supply karni hai, kab mujhe breathing rate ko badhana hai, kab mujhe breathing rate ko low karna hai ya fir excretion
को पता ही नहीं चलेगा, सपोज करो कि हम में ऑलरेडी पानी की कमी है, बट किडनीज आर एक्सक्रीटिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अगर किडनी ऐसे काम करेंगी तो फिर हमारी बॉडी में पानी ही नहीं रहेगा। मतलब कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये कौन करता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन डेड, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लिनिकली डेड माना जाता है कि जब किसी बंदे का ब्रेन काम करना बंद कर जाए तो वो बंदा क्या है? खत्म है। वैसे ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द हेड ऑफ द सेल। जैसे घर है, एक घर को घर बनने के लिए सपोज करो आप एक घर लो, सिंपली दिस इज अ हाउस, दिस इज द गेट ऑफ द हाउस। ठीक है, ये एक रूम है, इसमें क्या है? सारे काम इसी रूम में हो रहे हैं। ठीक है, चाहे ये 100 गज का है, चाहे 200 गज का है, चाहे 300 गज का है, चाहे 50 गज का है, एक रूम हम ले रहे हैं, एक घर हम ले रहे हैं बहुत ही बड़ा। इसमें सबसे पहले तो क्या आ गया? इतना बड़ा गेट आ गया। उसके बाद इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे। सपोज दिस वन इज द किचन, दिस इज द लॉबी, दिस इज द लिविंग रूम, दिस इज द बेडरूम, दिस इज द मास्टर बेडरूम, दिस इज द गेस्ट रूम। तो ये क्या हो जाएंगे? जो रूम्स हैं उनमें क्या है? बाथरूम्स अटैच्ड हैं। एंड दिस वन इज द गार्डन रीजन, दिस वन इज द पार्किंग, देयर इज अ स्विमिंग पूल। ये क्या है? ये घर है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रिमिटिव काइंड का घर हो गया, एंड ये क्या हो गया? ये एक एडवांस्ड टाइप का घर हो गया। सो बेसिकली हमें घर बनने के लिए चाहिए क्या? हमें तो तीन ही चीजें चाहिए, घर में रहने वाले लोग। घर में रहने वाले लोग क्या बनाते हैं? वी कैन से द वॉल ऑफ द हाउस, द फैमिली एंड प्रॉपर क्लीन एनवायरमेंट, वाटर एंड एयर की बात कर लेते हैं। प्रॉपर क्लीन एनवायरमेंट टू एबल टू सर्वाइव, टू एबल टू ब्रीथ। अब आप बात करोगे कि मैम हमारे घर में ना अच्छी हवा नहीं है, इम्प्योर हवा आती है। हमारा घर है थर्मल कॉलोनी के पास है, या फिर किसी इंडस्ट्री के पास है, या एक स्मोक चिमनी के पास है, तो हमारे घर में अच्छी हवा नहीं आती है। उसका ये मतलब नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वाइवेबल एयर। ठीक है, ऑफकोर्स अगर ज़्यादा पॉल्यूटिंग प्लेस पे आप रहोगे आप डिसीज हो जाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल डाई। तो मैं सर्वाइवेबल एयर की, सर्वाइवेबल इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, ऑफकोर्स अगर बात करो यहाँ पे ये घर है, इसमें हवा ही नहीं आ रही है, वैक्यूम क्रिएटेड है, तो नथिंग विल हैपन। वैसे ही एक सेल है, एक बेसिक सेल को बनने के लिए, प्रॉपरली बनने के लिए चाहिए क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कैन बी न्यूक्लियोइड और ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड इज द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट। और एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस। एंड दिस इज वी हैव साइटोप्लाज्म, दिस इज अवर सिंपलेस्ट सेल। अब बैक्टीरियाज में भी ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। हर बैक्टीरिया के पास क्या होती है? मेजरली ऑल द बैक्टीरियाज आर हैविंग अ एडिशनल लेयर, दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल की बात करते हैं तो आप घर के बाहर एक डिफरेंट बाउंड्री की बात कर सकते हो। कई लोगों ने घर के बाहर एक डिफरेंट बाउंड्री बनाई होती है, इतनी इतनी स्पेस जो है उन्होंने छोड़ी होती है, जस्ट टू इंडिकेट देयर स्पेस, क्योंकि घर की ये क्या है, ये उनके घर की ही प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने एक बाउंड्री के साथ उसको सेपरेट किया होता है, तो दैट बिकम्स द सेल वॉल। तो एक्स्ट्रा अगर प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन बन गई किसी भी सेल के बाहर,
that is the cell wall. But cell wall is not a basic part of the cell. Basic part of the cell नहीं है क्योंकि हम animals हैं, ठीक है? हमारा चाहे eukaryote cell है, लेकिन we are not having a cell wall. Mycoplasma is a prokaryote and basic cell जो उसका बिना cell wall के बन सकता है. So cell wall is basically not a basic part of the cell. Basic part of the cell क्या है? तीन ही basic parts हैं. Okay, so let us now start up with the cell membrane. Cell membrane start करने से पहले prokaryotic and eukaryotic organisms में कल हमने difference किया था, but दोबारा से उसका detailed difference कर लेते हैं. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell primitive nucleus nucleoid is present. Eukaryotic cell में true nucleus is present. एटलीस्ट आपको फाइव पॉइंट्स तो लिखना ही होंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तभी आप एक प्रॉपर क्वेश्चन लिख पाओगे. ओके, सो दैट इज जस्ट अ बेसिक रिविजन ऑफ द लास्ट टॉपिक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज दैट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. And the cell organelles are present. जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर भी मैं दोबारा से आपको ये टॉपिक दोबारा से करवाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा सारा कुछ, तब हमने सारा चैप्टर रीड कर लिया होगा. ये क्या है? ये बेसिक एक क्वेश्चन है. कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, दैट वॉज अ टू मार्क्स क्वेश्चन, दैट वॉज अ बेसिक बेसिक क्वेश्चन. किसी भी स्टूडेंट को जिसको कुछ भी बायोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, लिखना डिफिकल्ट लगता है, वो तीनों पॉइंट्स लिख दे तो मार्क्स मिल जाएंगे. दैट विल, चाहे तीन मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे पाँच मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप वो तीन पॉइंट्स लिखोगे तो आपको दो मार्क्स ही मिलेंगे. आइदर दैट इज अ फाइव मार्क्स क्वेश्चन, आइदर दैट इज अ थ्री मार्क्स क्वेश्चन, बट दैट इज द बेसिक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ, दैट इज द थ्री मार्क्स डिफरेंस क्वेश्चन. कि थ्री मार्क्स के डिफरेंस क्वेश्चन आ गए आपको, तो फिर आप उसमें पांच पॉइंट्स लिखना. ये कौन कौन से पांच पॉइंट्स हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, उसे नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ लोकोमोशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. And respiration occurs with the help of enzymes. And at last, we are going to talk about examples. That is, all the bacteria are prokaryotes. ओके, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल इज दैट सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. अगेन द लोकोमोशन मे टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सूडोपोडिया और फ्लैजेला. कई सेल्स जो है मूव ही नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव ही नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं. और
द सेल्फ मे बी अनेबल टू मूव देन इज लोकोमोशन टेक्स प्ले ओके देन इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है दैट इज द ट्रू रेस्पिरेशन एंड नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड देन एग्जाम्पल्स आर ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल अब ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए करवाया सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल कि बेसिक जो एक सेल है ना वो कौन बना रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल भी बना रहा है बट प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के पास थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेजेंट है लेकिन उसके पास ये चीजें भी प्रेजेंट है सो Now, in the next lecture, basically, we are going to deal with plasma membrane in detail. लेकिन plasma membrane की जो basic introduction है, वो हम आज अभी इसी lecture में कर लेते हैं. Okay. उससे पहले cytoplasm. Cytoplasm is composed of two words. That is the cell. Cyto means the cell and plasma means fluid. So cytoplasm is the fluid or the medium fluid medium that is present inside the cells and it provides space for the cell organelles and various cell components okay that was all about the basic parts of the cell now we are going to start with the cell membrane mein first of all We are going to do the introduction of the cell membrane. That cell membrane hai kya? We are going to deal with introduction of cell membrane. The cell membrane is the outermost. Covering of the cell it is the outermost covering of the cell if it is the outermost covering of the cell of course it is forming the boundary of the cell it forms the boundary of the cell It forms the boundary of the cell. It separates all the cell components from the outer environment. It separates all the cell components from the outer environment. That is the basic cell membrane. The cell membrane hoti kya hai? Now, what is the definition of cell membrane? To the definition of cell membrane, we are going to do cell membrane is also known as plasma membrane. Is a selectively permeable membrane composed of lipid and proteins forming the boundary
ऑफ द सेल, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन जो आपको वन मार्क क्वेश्चन में लिखनी होगी या फिर टू मार्क्स क्वेश्चन में लिखनी होगी. इफ यू हैव टू राइट इट मोर इन द टू मार्क्स क्वेश्चन, एक और लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग मेम्ब्रेन. अब हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसको डिटेल. द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है, बट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल काफी है, बट कई ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एक और एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज द सेल वॉल. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, देन दैट इज एन एडिशनल आउटर मोस्ट कवरिंग, एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल. इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल. ऑफकोर्स सेल मेम्ब्रेन है जो वो बाउंड्री ऑफ द सेल है. दिस इज अ काइंड ऑफ लिविंग मेम्ब्रेन. यहाँ पे हमने किया लिविंग मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करती है, दैट इज ग्रोथ एंड वी कैन से मूवमेंट एंड वी कैन से मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन केस अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज डेड. इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल. आउटर मोस्ट कवरिंग होने के साथ साथ क्या है, लिविंग भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है. इट सेपरेट्स ऑल द सेल कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट. ऑफकोर्स इफ इट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, तो सेल की जो बेसिकली हमारा जैसे घर है, घर में अगर किसी को एंटर करना है तो दीवार पार करके एंटर करना पड़ेगा या फिर गेट के थ्रू एंटर करना पड़ेगा. तो किसी भी चीज को अगर एनवायरमेंट से सेल के अंदर जाना है तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास होके जाना पड़ेगा. एज इट सेपरेट्स द सेल कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चाहे सेल मेम्ब्रेन है चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज द सेम थिंग. इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हम आगे नेक्स्ट डील करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कॉम्पोजिशन. इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं अबाउट द रोल, द कॉम्पोजिशन एंड द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच.